आइए, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त असम के गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये ब्रह्मपुत्र नदी का लोकेशन है, आप खुद देख सकते हैं किस तरह का, कितना खूबसूरत ये मौसम है और हर और धुंध सा माहौल दिख रहा है और बेहद ही खूबसूरत ये जो नज़ारा बन पड़ा है। और यहाँ पे ये सारी बोट्स हैं, यहाँ यात्रियों के लिए घूमने की व्यवस्थाएं हैं, बोटिंग्स किराए पे मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी इतनी विशाल और इतनी खूबसूरत नदी कही जा सकती है। यहीं के हमारे साथ कुछ वाशिंदे भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करना चाहेंगे। विजय जी, विजय जैन बोधरा जी, बताएं, नमस्कार, क्या क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये एक सुंदर ऐसा मौका है, ऐसा सीन है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, ये फेमस जगह है, पब्लिक को घूमने के लिए जगह चाहिए, टूरिस्ट आते हैं यहाँ, हर समय मेला आनंद रहता है। और ऐसा मौका, ऐसा देखने लायक सीन आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितना बड़ा होगा ये, क्या कितना? ये चाइना से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र चाइना से आती है, बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश जाती है। इस ब्रह्मपुत्र से आप कलकत्ता जाना तो ईजी पड़ेगा बाई बोट। अभी तक ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया? शुरू नहीं हो गया। हाँ, हो गया। कितनी देर का रास्ता है ये? करीबन 2-4 दिन लगते हैं, ऐसे मेरे को पूरा आइडिया नहीं है। अभी ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का मालवाहक जहाज चालू हो गया। तो देखिए, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी बेहद खूबसूरत। और ब्रह्मपुत्र नदी के पास में ही ये है एक खूबसूरत स्मारक जो कि बर्मीज के द्वारा बनाया गया है। और हम लोग आज इसी गुवाहाटी के जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंचल पर बना हुआ ये स्थान है, उसी का भ्रमण है। के सिंह, गुवाहाटी से।